हेलो, आज हम आभास किचन में शाही टुकड़े बनाने जा रहे हैं। ये थोड़े से डिफरेंट रेसिपी है रेगुलर शाही टुकड़े से। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 1 लीटर दूध लेंगे, उसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इतना गर्म करेंगे कि वो रिड्यूस हो जाए, रबड़ी की तरह बन जाए, लेकिन कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छे से रबड़ी तैयार हो गई है। मैं इसको एक बोल में निकाल के रखूँगी ठंडा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रेड के पीसेस को पानी में डिप करेंगे। एक्सेस वाटर जितना भी है उसको निकाल देंगे। देखिए इसी तरह से सारी ब्रेड को डिप करेंगे। मज़ेदार सी रेसिपी है, थोड़ी डिफरेंट है। कॉर्नर्स को निकाल देंगे, कॉर्नर्स हमें नहीं चाहिए इस रेसिपी में। सारे कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल देंगे। शाही टुकड़ा नाम है तो शाही तरीके से थोड़ी बनेगी। थोड़ा सा टिश्यू से इसको पैक करेंगे, एक्सेस वाटर जितना भी है बिल्कुल निकाल देंगे। रोलिंग पिन की मदद से हल्का सा रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। इस हल्का हल्का सारे ब्रेड पीस को रोल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स को चॉप करेंगे। अभी जो रबड़ी बनाई थी हमने उसमें सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से ठंडी हो गई है रबड़ी, इसमें ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कराए। ये जो ब्रेड ब्रेड पीस मैंने जो रोल किए थे उसमें 1 स्पून में रबड़ी का मिक्सचर रखूंगी इसमें बीच में। रखा, कॉर्नर्स को सील किया। ये देखिए सब तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैन में घी गरम करेंगे, मैंने देसी घी लिया है। फ्राई करेंगे सारे। अच्छी तरह से सारे रोल्स को फ्राई करेंगे चारों तरफ से। अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। बहुत हल्के हाथ से टर्ट करेंगे क्योंकि अभी गीले हैं। धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि एकदम से डालते ही जल ना जाए। धीमे धीमे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ब्राउन हो। मज़ेदार रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। शाही टुकड़े बना रहे हैं, थोड़ा शाही टच आना ज़रूर चाहिए, नाम इतना शाही है। ये देखिए सारे अच्छी तरह से ब्राउन हो गए, सबको बाहर निकाला। अब एक और दूसरा पैन लेंगे, इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे, उसको गरम करेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे।
देखिए रिड्यूस होना शुरू हो गया है। सैफरन डालेंगे, इलायची पिसी हुई, केवड़ा पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, सारे फ्लेवर एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये जो रोल फ्राई करके रखे थे ये इसमें डालेंगे, और कम से कम 10 मिनट तक इसको ऐसे ही भीगा छोड़ देंगे, टर्न करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक इसमें हमारा जो दूध का शीरा हमने बनाया है अंदर तक सोख कर जाए। मैं 10 मिनट्स ऐसे ही छोड़ूंगी। फ्लेम बंद है, अब आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि ये डिप हुए हुए हैं थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल आराम से प्लेट में निकालेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है ताकि ख़राब ना हो। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है रेगुलर शाही टुकड़ों से, ज़रूर ट्राई करिए। अच्छा अब देखिए ये जो बचा हुआ मेरा दूध का शीरा बचा हुआ है इसमें मैं इसके आगे और क्या करती हूँ ये बताती हूँ। जो हमने रबड़ी का मिक्सचर बना के रखा था इसमें रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स हमने मिक्स किए थे, ये देखिए वो मिक्स करेंगे इसमें रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा पक शाही टुकड़ों की प्लेट में निकाला। ये जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया था इसके ऊपर से ये डालेंगे, ज़रूर ट्राई किए बहुत मज़े की होती है। ये देखिए चांदी का बर्फ, गोल्ड वर्क, इसके ऊपर से रबड़ी बनी हुई थी हमारे पास वो ऊपर से लगाएंगे। ज़रूर बनाइए, अपने दस्तखान की शान बढ़ाइए, गेस्ट को और घर वालों को खुश करिए बना के। मज़ेदार सी रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट है। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऊपर से, आराम से बिल्कुल। थोड़ा सा पिस्ता डालूंगी। तैयार है हमारे शाही टुकड़े।
एकदम तैयार हैं बिल्कुल सर्व करने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ज्वाइन करिए मुझे, और प्लीज़ बताइए कैसी बनी रेसिपी आपकी, ज़रूर ट्राई करिए। प्लीज़ मुझे फीडबैक देते रहिए। मज़ेदार शाही टुकड़े एकदम शाही अंदाज में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।